दोस्तों चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर फरमाएं, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीयीन, पाक वे उस मोहम्मद मनशा। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं जनाब? बात करते हैं कि किस तरह जर्नैल जो हैं हमेशा अपने अल्टीमेट मकासद में एक तरफ कामयाब भी रहते हैं, दूसरी तरफ बड़ी शर्मनाक शिकस्त भी होती है। कामयाब इस सेंस में रहते हैं कि उनकी प्राइमरी और इनहेरेंट मकसद पाकिस्तान के आवाम के सामने खड़ा होने का ये है कि उनकी बदमाशी कायम रहे, और वो बदमाशी बड़ी हद तक अभी तक कंटिन्यू है, इस वाले से तो वो कामयाब हैं। लेकिन जो उनके डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव होते हैं, मसलन कि हम सिविलियन सियासतदानों को पनपने नहीं देंगे, ये इसमें अमूमन वो नाकाम ही रहे। मसलन अयूब खान ने भी एबडो किया, लेकिन अल्टीमेटली सियासतदानों के हाथों ही उसका इंजाम हुआ। भुट्टो मरहूम और बाकी सियासतदानों ने उनके खिलाफ तहरीक चलाई। इसी तरह बाकी जो जनरल याया है, जनरल ज़िया है, मुख्तलिफ हवालों से अल्टीमेट उनकी मज़ाहमत तो बहरहाल सियासतदान ही किसी न किसी लेवल किसी न किसी रंग में करते रहे। अब डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव एक सेंस से ज़िया साहब का ये था कि पीपल्स पार्टी को आउट करें, लेकिन नहीं हुई, लिहाजा इस सेंस में वो नाकाम रहे। इसी तरह जो मुशर्रफ है उसने कोशिश की कि ज़ाहिर तख्ता तो मियाँ साहब का उल्टा और प्राइमरी टारगेट तो मियाँ साहब थे, लेकिन उन्होंने एक मौका ऐसा भी आया कि ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बना लिया कि हमने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को ख़त्म करना है, या दूसरे लफ्ज़ों में बेनज़ीर मरहुमा और नवाज शरीफ को सियासत से आउट करना है। लेकिन दुनिया ने देखा वो नहीं कर सके, यानी मुशर्रफ जो है उसकी आंखों के सामने अगरचे बेनज़ीर ज़ाहिर है उसकी उनकी जान गई, लेकिन बाहर ये उन्हीं का मोमेंटम था कि पीपल्स पार्टी फिर बरसरे इक़्तदार आ गई और नून लीग उसके साथ बड़ी ताकत के एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर इमर्ज हुई, और जिसका नतीजा ये हुआ कि मुशर्रफ जो है वो अपनी हसरतों को लेकर जो है वो पॉलिटिकल सीन से गायब हो गया। अब उसी का फिर एक्सटेंशन ये देख लें कि यानी अल्टीमेटली नवाज लीग भी पावर में आ गई, और जिसको ओवर थ्रो किया था मुशर्रफ ने, नवाज शरीफ जो है वो फिर वज़ीर आज़म बन गया, फिर शहबाज शरीफ वज़ीर आला बन गया। यानी अपनी तमाम तर रेशा दवानियों, जुल्म व सितम, आइन से दुश्मनी, पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ को छीनने के लिए तोप व तफंग की ताकत जो कि हकीकतन पाकिस्तान के दिफा के लिए होनी चाहिए थी, उसको इस्तेमाल करते हुए लोगों को ब्लैकमेल किया, लेकिन अपने अल्टीमेट मकासद में नाकाम रहा, ना खुद पॉलिटिकल फोर्स बन सका और ना ही इस हकीकत को बदल सका कि पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हकीकी अवामी ताकतें हैं। लिहाजा ना बेनज़ीर या सो टू से पीपल्स पार्टी आउट हुई सियासत से, ना नवाज शरीफ और नवाज लीग आउट हुई, आउट कौन हुआ? खुद परवेज़ मुशर्रफ। इसी तरह फिर दिन गुजरते गए और वो जो साबक सऊदी बैटमैन है राइल शरीफ, उसने बड़ी कोशिश की, और उसके जो शयूखुल जासूस थे उन्होंने कोशिशें की, और फिर उसी अलम को लेकर गखड़ मंडी का ठग कमर बाजवा जो है वो मैदान में आया। कोशिश की कि हमने इन लोगों को इक्तदार में नहीं आने देना, और एक आर्टिफिशियल एक ले पालक टाइप एक फ्रेंचाइज क्रिएट की, जो कि हकीकतन एक सिंपली मास्क है, पीछे हकीकी जो माफिया का सरबराह है वो कमर बाजवा है। अपनी तमाम तर रेशा दवानियों के बावजूद क्या आज पीपल्स पार्टी इरेलीवेंट है? नहीं। क्या आज मुस्लिम लीग नवाज इरेलीवेंट है? नहीं। रिसेंटली देख लें, यह इलेक्शन हुआ और जहाँ जहाँ भी यानी बदमाशी नस्बता कम हुई, वहाँ पर अवाम ने अपने हकीरा दहिंदगी का इस्तेमाल किया और जो बाजवाई गुंडे हैं उनको शिकस्त हुई। एक तरफ तो ये एज ए पॉलिटिकल फोर्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दूसरी तरफ उन्होंने कोशिश ये की थी स्पेसिफ़िकली अगर कहें कि हमने इस ख़ानदान को आउट करना है, मसलन नवाज शरीफ को आउट करना है, लिहाजा उसका नतीजा क्या हुआ?
अयूब खान ने आउट करने की कोशिश की, नतीजा भुट्टो साहब की लीडरशिप की सूरत में। ज़ियाउलहक ने आउट करने की कोशिश की, नतीजा बेनज़ीर की क़यादत की सूरत में। मुशर्रफ ने, राहील शरीफ ने और बाजवाई गुंडों ने आउट करने की कोशिश की, नतीजा क्या हुआ? मियाँ साहब या नून लीग के पास पहले मल्टीपल लीडर्स थे, ज़ाहिर है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनके बाद हमजा, और अब इनकी लेटेस्ट एफर्ट का नतीजा ये हुआ कि उनसे भी बढ़ के एक नून लीग को लीडरशिप मिल गई और वो मरियम नवाज है। ज़ाहिर है वो हर मौके पर उनसे भी बेहतर अंदाज में बाज़ एंगल से गुंडों को ललकारती हैं। बाजवाई निज़ाम की चीरा दस्तियों का वो पूरी हिम्मत और जुरस से मुकाबला करती हैं, जेल की कैद की सहूलतें भी बर्दाश्त कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो इन पाकिस्तान के अवाम के दुश्मनों को और पाकिस्तान के आइन के गद्दारों को ललकारने से बाज नहीं आती। मतलब ये है कि जिनको वो अनडू करना चाहते हैं वो उल्टा पहले से भी ज़्यादा फोर्स के साथ मैदान में है। इस वक्त जो भी हकीकी एनालाइज करना चाहे, कोई बहुत ज़्यादा उसके लिए एक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। सब जानते हैं कि सबसे ताकतवर जो अवामी पॉलिटिकल सपोर्ट के हिसाब से पार्टियां हैं उनमें मुस्लिम लीग नवाज सर फहरिस्त है, उनमें जमीयत उलमा इस्लाम अपने मखसूस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और अपने मखसूस एक जो उनका आइडियोलॉजिकल पैराडाइम है उसमें वो बल्कि उससे भी बियॉन्ड वो बड़ी ताकतवर हैं और बड़े वोकल हैं। हकीकी टारगेट्स को वो सामने रखते हैं और लोगों को आगाही देते हैं और पॉलिटिकल यानी आउटकम की सूरत में उसको ट्रांसलेट करते हैं। इस तरह पीपल्स पार्टी है, वो भी इंतहाई ताकतवर पॉलिटिकल फोर्स है। मतलब ये है कि जर्नैल जो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव उनके होते हैं हमेशा उसमें नाकाम रहते हैं। एक और लेवल पर देखें तो आम तौर पर ये ड्रामा रचाते हैं कि हम देखें जी पाकिस्तान के इत्तेहाद और इस्तेहकाम के लिए यानी आए हैं, लेकिन नतीजा उसका क्या होता है कि पाकिस्तान दो लख्त हो जाता है, पाकिस्तान का एक बाजू ही कट जाता है, पाकिस्तान एज इट वाज इन एग्जिस्टेंस बिफोर देयर टेक ओवर वो मौजूद ही नहीं रहता। यानी हर बार वो रियासत को ढाते हैं इस झूठे क्लेम के साथ कि हमने इसको रीस्ट्रक्चर करना है, दोबारा बनाना है बेहतर अंदाज में, लेकिन अंजाम ये होता है कि वो क्योंकि झूठे होते हैं और इस तरह हकीकी मकासद को कैमोफ्लेज करने के लिए इस किस्म की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लिहाजा हमेशा वो इंतहाई नाकाम रहते हैं। ये ठीक है कि चंद दिन उनकी गुंडागर्दी चलती है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम उनको बतौर दुश्मन ही देखते हैं और हकीकत यही है कि वो पाकिस्तान के गद्दार हैं। जो भी पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते उनको ताकत से इंजीनियर करते हैं, उनको अन कॉन्स्टिट्यूशनल अंदाज से इरोड करते हैं, सिविलियन निज़ाम को चलने नहीं देते, पाकिस्तान को फलने फूलने नहीं देते। वो हकीकी मानों में पाकिस्तान के दुश्मन हैं और वो पाकिस्तान के जर्नैल हैं जो हमेशा सिविलियन हुकूमतों को नहीं चलने देते और मसनू अंदाज में पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को चुराते हैं और उनके ख़िलाफ़ सफ आ रहा होते हैं। तो इस वाले से ज़ाहिर यानी मौजूदा बाजवाई निज़ाम जो है उसके ख़िलाफ़ पहले से भी कहीं ज़्यादा जद्दोजहद जारी है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम कामयाब होंगे। पाकिस्तान के अवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान का आइन जिंदाबाद और पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वाले गद्दार जनरल मुर्दाबाद। अगर आपको प्रोग्राम पसंद हो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इजाज़त दें जनाब, खुदा हाफिज़।